हेलो और नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपके मेरे चैनल टेक्निकल भाई। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाले, क्योंकि आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो या फिर इस्तेमाल करते हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में एक ऐसी ट्रिक दिखाने वाला हूँ जिस ट्रिक को अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं और साथ ही कॉमेंट बढ़ा सकते हैं और लाइक भी बढ़ा सकते हैं और सामने वाले को चौंका सकते हैं। तो अगर आप इस ट्रिक को यूज़ करना चाहते हो या फिर इस ट्रिक के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को पक्का दबा दीजिए ताकि आप देख सकें हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं सबसे पहले मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन कर लेता हूँ और ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मेरा कितना फॉलोअर है। ठीक है, तो आप ये व्यापार देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन कर लिया और मेरा जो फॉलोअर है वो है 46 फॉलोअर। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप फॉलोअर को बढ़ाना चाहते हो और लाइक को बढ़ाना चाहते हो और कॉमेंट को भी, तो आपको क्या करना है? तो दोस्तों इसके लिए डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक मिल जाएगा, लिंक को आपको कॉपी कर लेना है और अपना मोबाइल का जो भी ब्राउज़र है ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर क्या कर देना है, लिंक को पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो पेस्ट करने के बाद फिर उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च कर देना है। ठीक है, तो सर्च करने के बाद सामने ऐसा एंटर होगा, फिर आपको यहाँ पर लॉग इन पर टैप कर देना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर लॉग इन पर टैप कर देता हूँ और यहाँ पर आपको लॉग इन कर लेना है यूज़र नेम और पासवर्ड देखे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर फटाफट से लॉग इन कर लेता हूँ। तो दोस्तों अभी अभी यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर यूजर नाम दे दिया और साथ ही यहाँ पर पासवर्ड भी दे दिया। ठीक है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर साइन इन पे टैप कर देना है। ठीक है, तो साइन इन पे टैप करने के बाद फिर यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद फिर आपके सामने ऐसे एंटर होगा, फिर आपको यहाँ पर सिक्योरिटी कोड को भेज देना है। ठीक है, मतलब कि वेरीफाई कर देना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर वेरीफाई कर लेता हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ पर फटाफट से कोड को डाल देता हूँ, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर अप्रूव पे टैप कर देना है। ठीक है, टैप करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, फिर आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, फिर सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको फॉलोअर बढ़ा के दिखाई देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर सेट फॉलोअर पे टैप कर देना है। ठीक है, टैप करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, फिर आपको यहाँ पर नाम डाल देना है। ठीक है, मतलब कि यूज़र नाम। तो चलिए मैं यहाँ पर फटाफट से यूज़र नाम को डाल देता हूँ। तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्या कर देना है, फाइंड यूज़र पे टैप कर देना है। ठीक है, टैप करने के बाद फिर आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो वेट करने के बाद फिर आपके सामने ऐसे एंटर होगा, फिर आपको यहाँ पर जितना फॉलोअर चाहिए तो उसको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर पसस कर देता हूँ। ठीक है, पसस करने के बाद फिर उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पे टैप कर देना है। ठीक है, तो सबमिट पे टैप करने के बाद फिर आपके सामने ऐसे एंटर होगा, फिर आपको यहाँ पर वेट कर लेना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम पर फॉलोअर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन कर लेता हूँ और ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन कर लिया और यहाँ जो मेरा जो फॉलोअर है वो बढ़ गया, 96 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके आप अपने फॉलोअर को इंक्रीज कर सकते हैं। फिर मैं आपको लाइक बढ़ा के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर फिर ओपन कर लेता हूँ क्रोम ब्राउज़र को और ओपन करने के बाद फिर आपको मैं अभी दिखा देता हूँ फिर उसके बाद आपको क्या कर देना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर लाइक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या कर देना है, सेंड लाइक पे टैप कर देना है। ठीक है, टैप करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा एंटर होगा, फिर आपको यहाँ पर अपना पोस्ट जो है पोस्ट को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फिर यहाँ पर आपको यूआरएल को पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर फटाफट से तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ पर मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन कर लेता हूँ, मतलब कि इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ और ओपन करके मेरा जो पोस्ट है पोस्ट का जो लिंक है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मेरा पोस्ट आ गया, फिर उसका यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो कॉपी करने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्या कर देना है, फिर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, फिर यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर फाइंड पोस्ट पे टैप कर देना है। ठीक है, टैप करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा एंटर होगा, फिर आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है, फिर उसका तो फिर उसका आपको यहाँ पर जितने लाइक चाहिए उसको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर फिर पसस कर देता हूँ। ठीक है, देने के बाद फिर उसका आपको यहाँ पर सबमिट पे टैप कर देना है, फिर उसका आपके सामने ऐसा एंटर होगा, फिर आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है। ठीक है, तो वेट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो लाइक है वो आ रहा है। ठीक है, मतलब कि जा रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पर फिर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लाइक आया है। ठीक है, पसस लाइक आया है। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पर मैं आपको कमेंट बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, मतलब कि कमेंट करके दिखा देता हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या कर देना है, सेंड कमेंट पे टैप कर देना है। ठीक है, टैप करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा एंटर होगा, फिर आपको यहाँ पर उस लिंक को पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो पेस्ट करने के बाद फिर उसके बाद आपको यहाँ पर फाइंड पोस्ट पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद फिर आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है, फिर उसके बाद आपके सामने ऐसा एंटर होगा, फिर यहाँ पर आपको जो भी कमेंट चाहिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है,
तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कॉमन लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्या कर देना है, सबमिट पे टैप कर देना है, ठीक है। तो सबमिट पे टैप करने के बाद फिर यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कॉमेंट गया है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम अकाउंट को फिर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको मैं अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कॉमेंट भी आ रहा है, ठीक है। धीरे धीरे करके सब कॉमेंट आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों अगर वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अगर मन में कोई सवाल है तो कॉमेंट कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।